इसे कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे क्या रहा है। उसका कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कीजिए जरा कैलकुलेशन और। यस, तौहीद का सही है। एक तौहीद का सही आया, और किसी का आंसर नहीं है। हाँ इसका अब सही है आपका, खतीजा का सही है। स्वालिहा आप गड़बड़ कर रही हैं। वे देखिए वो आपसे कह क्या रहा है। यस मोमिना आपका ठीक है। In young double slit experiment, white light of wavelength 400 nanometer is used. तो लैम्डा वन ऐसे लिख दो, 400 नैनोमीटर दिए। इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ विड्थ एक्स आर ऑब्टेन्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर, लैम्डा टू इज 600 नैनोमीटर, एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ। लाइक अगर फर्स्ट स्लिट का सेपरेशन डी वन है तो सेकेंड स्लिट का सेपरेशन पहले से एग्जैक्टली हाफ हो गया। इफ वी वन वांट द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन टू बी सेम इन टू केसेस, बीटा वन और बीटा टू दोनों इक्वल है, आपको डी वन और डी टू का रेशियो चाहिए। देखिए आप बीटा वन को ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सादिया का सही आ रहा है, स्वालिहा का सही है, अब सही है स्वालिहा। लैम्डा डी बाई डी होता है, डी वन बाई डी वन, लैम्डा डी टू बाई डी टू। आपको यहां से डी वन और डी टू का रेशियो चाहिए, आप इसे लिख दीजिए लैम्डा टू डी वन बाय लैम्डा वन डी टू। वजह कहीं कुछ गड़बड़ है, तो D1 और D2 का रेशियो आया लैम्डा 2, विच इज 600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, लैम्डा 1 विच इज 400 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, इट्स D1 बाय D2 विच इज D1 इंटू 2। सो ये कैंसिल हुआ, D1 से D1 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, टू टू जो फोर गया, टू थ्री जो सिक्स गया, सो डी वन और डी टू का रेशियो आया 3:1। हाँ भाई क्लियर है ये? वही क्लियर है सबका? चलिए वही बढ़िया, चलो गुड, नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद इंटरफेरेंस में कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई, जैसे एक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आइडेंटिकल सोर्सेस। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
for identical sources. अगर सोर्सेज आपकी आइडेंटिकल हैं, तो आपको देखना है इंटेंसिटी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के साथ कैसे वेरी करती है। तो दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है, इसको मैं आई लिख देता हूं। तो पहले मैं ले रहा हूं, अगर आपकी सोर्सेज कोहरेंट है, तो कोहरेंट सोर्सेज में मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमने लिखी थी, इट्स रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का स्क्वायर, विच इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आई वन का स्क्वायर, क्योंकि आई वन और आई टू इक्वल। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कहीं कोई परेशान हो जाए। सो इट्स रूट ओवर आई सनाउल, कोहरेंट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4i। i max is 4i। अगर आपको मिनिमम चाहिए, i मिनिमम, सो i मिनिमम होगा रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर, विच इज रूट i माइनस रूट i इक्वल टू 0। So, अगर सोर्सेस आइडेंटिकल है तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी एक सोर्स की 4 times हो जाएगी, और सोर्सेस मिनिमम की जो इंटेंसिटी होगी वो एग्जैक्टली 0 होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं सोर्सेस नॉन कोहरेंट है, तो देखो इंटेंसिटीज के साथ क्या होगा। अच्छा, कुछ चीजें आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपके रूम में एक बल्ब लगा है जिस बल्ब की इंटेंसिटी आई है, और एक दूसरा बल्ब है उसकी भी इंटेंसिटी आई है, आइडेंटिकल बल्ब है, तो क्या लगता है ये बल्ब कैसे होंगे, कोहरेंट या नॉन कोहरेंट? तेरा आंसर्स दिखे मुझे सबके। दो बल्ब ले लिए मैंने रूम में, दे आर कोहरेंट और इनकोहरेंट? नॉन कोहरेंट। आप लोग में से अक्सर ना पलट के ही नहीं देखते, कोहरेंट वाले गलत है, नॉन कोहरेंट। आपको बताया था दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहरेंट नहीं हो सकती। आप दो अलग अलग बल्ब ले लें, वो दो अलग अलग बल्ब चाहे सेम कलर के हो, चाहे सेम फ्रीक्वेंसी के हो, दो अलग अलग अगर बल्ब हैं, तो वो दो अलग अलग बल्ब कभी भी कोहरेंट नहीं हो सकते। कोहरेंट तभी होंगे जब आप एक सोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था। अरशद अली कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा भाई अरशद, देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं दो सोर्सेस ले रहा हूं, दोनों आइडेंटिकल है। अगर सोर्सेस कोहरेंट है तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिलेगा। मैक्सिमा की इंटेंसिटी शायद पहली या दूसरी क्लास में डिराइव कराया था, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं रूट आई प्लस रूट आई का स्क्वायर टू रूट आई का स्क्वायर, विच इज 4i। मिनिमम जो इंटेंसिटी होगी दैट्स रूट आई वन रूट आई माइनस रूट आई, सो द मिनिमम इंटेंसिटी इज़ हियर। तो ये कोहरेंट सोर्सेस के लिए। अगर सोर्सेस नॉन कोहरेंट है तो आपके जो दो बल्ब हैं वो नॉन कोहरेंट है। एक से लाइट आ रही है इंटेंसिटी आए, दूसरे से लाइट आ रही है इंटेंसिटी आए, दोनों को मैं एक साथ ऑन करूंगा तो इंटेंसिटी कितनी आनी चाहिए, लिखो जरा बताइए। अगर एक बल्ब से इंटेंसिटीज आए, दूसरे बल्ब से इंटेंसिटीज आए, दोनों को आप एक साथ ऑन करेंगे, देन इंटेंसिटी कितनी होगी? हाँ, सवालेहा का सही है, खतीजा का गलत। खतीजा, रूम में एक बल्ब जला हुआ होगा, एक बल्ब और ज्वाइन करना, कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी? 0। क्या बात कर बेटा, तुम्हारे जो तुम्हारी रियल लाइफ में होता है ना, वहां सोर्सेस नॉन कोहरेंट है। एक बल्ब ऑन करो, दूसरा बल्ब ऑन करो, तो इंटेंसिटी जस्ट डबल हो जाती है, स्क्वायर नहीं होती, ऐड हो जाती है। सिंपल नॉन कोहरेंट सोर्सेस डायरेक्टली ऐड हो जाती है, इंटेंसिटी 2i होती है। इंटरफेरेंस तो कोहरेंट में आता है, ये अलग चीज है भाई। इंटरफेरेंस में एक जगह इंटेंसिटी 4i हो गई, एक जगह 0 हो गई, ये डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ज्यादातर आपकी जो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज आर नॉन कोहरेंट। डे टू डे लाइफ में मिलता है कि एक बल्ब ऑन की इंटेंसिटी आएगा, दूसरा बल्ब ऑन की इंटेंसिटी आएगा, लाइट की इंटेंसिटी रूम में 2i हो गई, डबल हो गई। 3 बल्ब लोगे तो 3i हो जाएगी।
अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो मैं इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करूं। तो यहां जो फेज डिफरेंस होता है, भाई बता दो जरा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? अगर नॉन सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फेज डिफरेंस वेरी करेगा, फेज डिफरेंस वेरिएबल होता है, फाई वेरिएबल होता है। सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाई, यही होता है ना। अब यहां मैं मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिख सकता, फाइव फिक्स्ड ही नहीं, फाइव वेरी कर रहा है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैक्सिमम मिनिमम तो तब होता है जब एक जगह टू एन पाई होता है, एक जगह टू एन माइनस वन पाई फेज डिफरेंस होता है। बट यहां तो फेज डिफरेंस चेंज कर रहा है, फेज डिफरेंस चेंज करने से देखो फर्क क्या पड़ेगा, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, दोनों बल्ब से यहां लाइट्स पहुंच रही है, दोनों बल्ब से यहां लाइट पहुंच रही है। फेज डिफरेंस जीरो था तो ब्राइट फ्रिंज इंटेंसिटी फोर आई, फिर एकदम से फेज डिफरेंस पाई हो गया डार्क फ्रिंज इंटेंसिटी जीरो, फिर फेज डिफरेंस टू पाई हो गया इंटेंसिटी फोर आई हो गई, बताया था टू पाई के ऊपर मैक्सिमम मिलता है, फिर एकदम से फेज डिफरेंस जीरो हो गया थ्री पाई हो गया इंटेंसिटी जीरो। तो इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगी। अब जरा अपनी आंखें उठाकर देखो, अगर तुम्हारे रूम में दो बल्ब या दो ट्यूब्स लगे हुए हैं, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी वेरी करती हुई दिख रही है क्या? अपनी गर्दन उठाओ, रूम में बल्ब तो होगा, अगर दो बल्ब है तो देखो क्या इंटेंसिटी वेरी करती हुई दिख रही है। किसी के रूम में एक बल्ब है तो मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन कर लो, वेरी तो नहीं होती हुई दिख रही। आपको असल में क्या दिख रहा होता है, वेरी कर रही है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, इतनी तेजी से ये वेरी कर रही है कि आप एवरेज देखते, इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, इंटेंसिटी वेरी कर रही है, कहीं फोर आए कहीं जीरो, फोर आए जीरो, फोर आए जीरो, लेकिन ये वेरिएशन इतना तेज है कि आपको एवरेज इंटेंसिटी दिखती है। तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसे लिखने का। तो आपको जो इंटेंसिटी दिखेगी एवरेज इंटेंसिटी आप देखोगे। अब जब तुम एवरेज निकालोगे, फायदा वो आंखों की वजह से, उसमें लाइट कम ज्यादा नहीं हो रही, वो आंखों की वजह से, आपके रेटिना की वजह से लाइट कहीं नहीं जा रही, लाइट इंटेंसिटी उतनी है। अलग अलग कर दीजिए, आई वन को अलग कर दीजिए, आई टू अलग कर दीजिए, भाई जो कांस्टेंट से देखिए उनका तो कोई एवरेज नहीं आएगा, सिर्फ ये वेरी कर रहा है इसका एवरेज आएगा। इस स्टेप तक बताइए मुझे कोई परेशानी है? ये काम आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, एसी में खूब डिटेल में आपने एवरेज निकालना सीखा था, भूल गए हो तो अलग बात है। कोई डाउट इस स्टेप तक? अब जब आप एवरेज लोगे ना कॉस का, सो द मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन, द मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस वन। प्लस वन डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू जीरो। वो सोर्सेस जिसमें फेज डिफरेंस वेरी करता है, वेरिएबल होता है। ये चैप्टर इंटरफेरेंस जब मैंने शुरू किया था तो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट से ही शुरू किया था। फाई वेरिएबल होता है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में फेज डिफरेंस चेंज करता है।
देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पर डिपेंड करती है, फेज डिफरेंस अगर चेंज करेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी चेंज करेगी, बट ये इतनी तेजी से चेंज करती है कि आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, आपको ये नहीं दिखता कि ब्राइट डार्क हो रहे हैं बार बार, आपको जो दिखता है आपको एवरेज दिखता है, सबका एवरेज दिखता है। तो जब आप सबका एवरेज लोगे, आई वन अलग हुआ, आई टू अलग हुआ, टू रूट आई वन आई टू अलग हुआ, एवरेज लिया आपने कॉस फाई का, कॉस फाई का एवरेज लेना सिखाया था आपको मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू बाई टू। तो जब आप इसको यहां रख दोगे तो मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, योर रिजल्टेड इंटेंसिटी आई आर आपका बच जाएगा आई वन प्लस आई टू, सेकेंड टर्म तो जीरो, ये रिजल्टेड इंटेंसिटी है आपकी विच इज आई वन प्लस आई टू। अगर आपकी सोर्सेस नॉन कोहेरेंट हो जाती, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है तो कोई परेशानी नहीं, मैक्सिमा की फोर आई होगी, मिनिमा की जीरो होगी, बट इफ दे आर नॉन कोहेरेंट तो ये मिलेगा। हाँ हार्दिक, अभी मैं पीछे आ रहा हूं, अभी मैंने रब नहीं किया, और यही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आई वन और आई टू तो इक्वल है आपके लिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी टू आई। मीन्स अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो आपकी एवरेज इंटेंसिटी फेस पर डिपेंड नहीं करती, फेस कुछ भी हो इंटेंसिटी हमेशा आपको 2i दिखेगी। सो फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेज डिफरेंस, क्योंकि आपने एवरेज ले लिया तो अब डिपेंड नहीं कर रहा। फेज डिफरेंस वेरी करे जाओ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ फेज डिफरेंस, सो रिजल्ट इन इंटेंसिटी इज बेसिकली टू आई। हाँ भाई, अब लिखिए इतना, इसके बाद फिर एक आध ग्राफ प्लॉट करते हैं ये चीज शो करने के लिए कि इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रही। मीनवाइल डाउट्स बताइए अपने। नहीं तौहीद, ऐसा नहीं होगा, सब मिलेगा, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप उसी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मिनिमा की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बाकी तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। जी खदीजा, नॉन कोहेरेंट में सिर्फ एवरेज होता है। सादिया, ये मैंने दिया है, ये गिवन है कि जो सोर्सेज हैं वो आइडेंटिकल, आपको जो दो बल्ब दिए हैं वो दोनों बल्ब आइडेंटिकल, आई वन और आई टू दोनों की इंटेंसिटी सेम, ये दी हुई है, पार्ट है ये थ्योरी का, ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा। रहबर आलम, सबसे पहली वाली स्लाइड देखनी है, ये है भाई रहबर, ये वाली सबसे पहली स्लाइड, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना लिख लें तो बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं फिर। लीजिए शाकिर,
भाई इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा। अभी हार्दिक रब कर दें सर। भाई नेक्स्ट देखिए। सो जो कैलकुलेशंस जहां हो सकती थी वो तो खत्म हो गया। अब इसको देखो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करके दिखाओगे। एक्स एक्सिस पर हम फेज डिफरेंस लेते हैं, वाई एक्सिस पर हमने इंटेंसिटीज ली हुई। तो अगर मैं कोहरेंट सोर्सेस ले रहा हूं तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। मैं आपको फेज डिफरेंस लिखकर दिखा दूंगा तो वैल्यूज का रीजन आप समझ जाओगे। उसमें थोड़ी देर जरा वेट कीजिए, फर्स्ट स्लाइड आती है। तो अगर आपके पास जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो इंटेंसिटी वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। ये वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, एक्स एक्सिस पर फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस जीरो है सो इंटेंसिटी फोर आई है। जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो इंटेंसिटी जीरो होगी। जब फेज डिफरेंस टू पाई होगा तो इंटेंसिटी फोर आई होगी। फेज डिफरेंस थ्री पाई होगा तो इंटेंसिटी जीरो है। फोर पाई होगा तो इंटेंसिटी फोर आई। माइनस पाई तो इंटेंसिटी जीरो मिनिमम। माइनस टू पाई इंटेंसिटी फोर पाई। माइनस थ्री पाई माइनस फोर पाई। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब है जब आपके पास सोर्सेस कोहरेंट है। अगर मैं नॉन कोहरेंट सोर्स ले लूं, सो देखिए नॉन कोहरेंट सोर्सेस में इंटेंसिटी फेज डिफरेंस के साथ चेंज नहीं कर रही थी, हमेशा कांस्टेंट थी। तो नॉन कोहरेंट सोर्सेस में जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ चेंज नहीं करेगा। ये ग्राफ चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट इंटेंसिटी टू आर। फेज कुछ भी हो नॉन कोहेरेंट में इंटेंसिटी वेरी नहीं करती, तो ये हमेशा एक यूनिफॉर्म टू आर इंटेंसिटी का ग्राफ है। दिस इज फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। चलिए लिखिए। इतना हो जाए तो बताइए। आप लोग ड्रॉ कीजिए। उज्मा भाई ये फर्स्ट स्लाइड थी, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट देते रहो, जल्दी जल्दी। ये फर्स्ट स्लाइड थी उज्मा, ये सेकंड स्लाइड थी। थर्ड स्लाइड है, यही है, ये है ग्राफ से पहली वाली स्लाइड। नहीं अमान, इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं होगी। कॉस इज एन इवन फंक्शन है ना, कॉस ऑफ माइनस टू पाई भी कॉस टू पाई होता है ना, इसीलिए इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं है।
इंटेंसिटी हमेशा लिया करिए जैसे एनर्जी है। आप नहीं कहते ना कि एनर्जी नेगेटिव होगी, ऐसे ही इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं कहते। ओके, याद हो गया? रब करूं इसे? चलो जी, सबने लिखा ना इसको, मैं रब कर रहा हूं फिर। सो देखो, इंटरफेरेंस में आपकी एनसीईआरटी में जितनी कैलकुलेशंस हो सकती थी वो सब तो मैंने करा दिया। अब इसके बाद इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ज्यादातर तो कैपिटल डी स्मॉल डी से रिलेटेड होते हैं। दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पर, और एक होता है अगर व्हाइट लाइट यूज करी तो क्या होगा। तो मैं सस्टेन इंटरफेरेंस और व्हाइट लाइट क्वेश्चन ना कराकर डायरेक्टली थ्योरी लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे सस्टेन इंटरफेरेंस। देखो, बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब है, अगर तुम्हें इंटरफेरेंस दिख रहा है ना कि अलग अलग है ब्राइट और डार्क फ्रिंज, मतलब सस्टेन्ड ही है, सस्टेन्ड ना होता तो दिखता नहीं। टेक्निकली ऐसे डिफाइन करते हैं, वो इंटरफेरेंस जिसमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन फिक्स रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ब्राइट और डार्क ओवरलैप नहीं करते, वो सस्टेन इंटरफेरेंस। क्योंकि यार अगर ब्राइट और डार्क ओवरलैप कर गए तो इंटरफेरेंस बचेगा, इंटरफेरेंस तो बचेगा ही तब जब ब्राइट और डार्क ओवरलैप ना करे। तो इसमें आप लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज डज नॉट चेंज विद टाइम। तो अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशंस टाइम के साथ चेंज नहीं होती, सेम रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो आप कहोगे इंटरफेरेंस आपका सस्टेन इंटरफेरेंस। और एक चीज और है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस डू नॉट ओवरलैप। अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप नहीं करते तब भी आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस। अब कुछ क्राइटेरिया है भाई, कैसे आप टू ऑप्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस क्या करना होगा। आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको आप कैसे मैनेज करें कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड हो। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, टू ऑप्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस तीन चार कंडीशन है, इनको याद रखिएगा। पहली कंडीशन है भाई, सोर्सेस कोहेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट ना हुई तो फिर तो बचेगा ही नहीं इंटरफेरेंस, शुड बी कोहेरेंट। फिर बता देता हूं मैं अगर कोई भूल गया है, फिर से सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर ऐसी सोर्सेज हैं कोहेरेंट है। दूसरा, सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मींस सोर्सेज से एक ही लाइट आनी चाहिए, अगर रेड कलर है तो रेड ही आ रहा हो, लेजर है मतलब, ऐसा ना हो कि सात कलर आ रहे हैं व्हाइट लाइट। देखेंगे अभी व्हाइट लाइट में भी कि जब हम व्हाइट लाइट से इंटरफेरेंस बनाते हैं तो क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोम मोनो मींस वन, मोनोक्रोमेटिक मींस हैविंग सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होगी। दूसरी, जो स्लिट्स है ना, स्लिट विद, याद हो आपको हमने ये ऐसे करके ड्रॉ किया था स्लिट विद W1 W2, स्लिट बहुत नैरो होनी चाहिए, स्लिट्स शुड बी नैरो, नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन,
जब आप फ्रिंज विड्थ लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ इतनी भी कम ना हो कि नजर ही ना आए, तो फ्रिंज विड्थ सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। वो तब होगी जब डी कैपिटल डी लार्ज होगा, मीन्स स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल डी बहुत छोटा होगा, मीन्स दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन। तो स्लिट्स नैरो होनी चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं फ्रिंज विड्थ should have significant size, as I know, इतनी बारीक है कि दिख ही नहीं रही, significant size होनी चाहिए, जिसके लिए capital D should be large, means slit or screen के बीच का separation, and small D should be small. कैपिटल डी डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन लार्ज होना चाहिए, और दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए, दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इतना लिख लीजिए। फायर का सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, अगर एग्जाम में आ गए ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ गधे भी होते हैं ना क्लास में, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आ गया तो लिख कर आ जाएंगे, मैंने नहीं पढ़ाया था, गधों के लिए मुझे लिखवानी पड़ती है। So that is sustained interference. चलो भाई लिखो इतना। I mean, अगर आप बहुत ब्रॉड स्लिट लेंगे तो जो आपके फ्रिंजेस बनेंगे वो इतने ज्यादा वाइड फ्रिंजेस हो जाएंगे कि एक फ्रिंज दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देगा, रिजल्ट ये होगा कि आपको कुछ नजर ही नहीं आए। एक कंडीशन और होती है, वो भी मैं लिख रहा हूं, चलो ये लिख लिया सबने, नेक्स्ट देखना। अब एक कंडीशन और सुनो, इसे ना हम डिराइव करेंगे ना आप किसी न्यूमेरिकल में यूज करोगे, लेकिन हो सकता है किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपसे ये कंडीशन पूछ ले, पता होनी चाहिए। अरे जोहेब नहीं लिखा था, लिखो लिखो लिखो, हाँ 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 लिखो लिखो लिखो, अरे भाई क्या हुआ तुम्हारी एग्जाम की डेट का, तुमने ट्वीट ट्वीट नहीं किया? अभी एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं तुम लोग ट्वीट करो कुछ हो जाएगा, क्या हुआ? जी फायर का बिल्कुल वही कर रहे हैं, देखो सनाउल कितना समझदार है, सब पता है इसे। कर दिया क्या, कर दिया तौहीद, करवा रहे हो एग्जाम नहीं करवा रहे हो? डिले कर रहे हार्दिक, वो एग्जाम जिसकी तैयारी के लिए तुमने बैच ज्वाइन करी हुई है, दिल्ली में तो अभी उसकी डेट ही फाइनल नहीं है ना। अरे डिले विले मत कराओ उसे, हो तो गया जाके एग्जाम दो। देखो मित्रों, So, अब इसने आपको ये दे है, अभी तक हमने हमेशा इन स्लिट्स को ली थी, ये सोर्स स्लिट होती है ना जहां से मेन लाइट आ रही है, कभी कभी क्या करता है सोर्स स्लिट का साइज, ये सोर्स स्लिट और स्क्रीन नहीं, बिटवीन सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट, सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज कैपिटल एस। तो यहां पर एक कंडीशन होती है सस्टेन इंटरफेरेंस की। अब कोई नहीं पूछेगा ये आई कहां से, तो इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं इसे किसी हाल में डिराइव नहीं कराऊंगा, ये तुम्हें पता होनी चाहिए
कि अगर वो क्वेश्चन पूछ ले सोर्स स्लिट वगैरह के ऊपर, स्मॉल एस बाय कैपिटल एस लेस देन लैम्डा बाय डी, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि सोर्स स्लिट का साइज और ये सेपरेशन वेवलेंथ ऑफ लाइट और डी से कम होना चाहिए, अगर ये बढ़ गया या इक्वल हो गया तो सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। सस्टेन इंटरफेरेंस ना मिलने का मतलब है फ्रिंजेस एक दूसरे पर ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। फ्रिंजेस अगर ओवरलैप करने लगे ना तो ना मैक्सिमम मिलने ना मिनिमम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए। लिखिए कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि अच्छा अगर सोर्स स्लिट का साइज बड़ा करते हैं तो क्या होगा, तो तुम ये लिखोगे भाई स्मॉल एस को कितना बड़ा कर लो लेकिन ये कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये डिस्टर्ब हो गई तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। वो कभी कहता है डी बहुत छोटा कर रहे हैं, कर लो डी, चेंज कर दो डी को, लेकिन इतना मत कर देना कि ये डिस्टर्ब हो जाए। ये डिस्टर्ब हुआ और इंटरफेरेंस खत्म हुआ, ये कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस। हाँ भी व्हाइट लाइट भी अभी देखते हैं, अभी आ रहे हैं व्हाइट लाइट पर भी इसको लिख लो भाई। ये आया सबको समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अभी तुम में से कोई भी ना जस्ट इसलिए कि एग्जाम डिले हो जाएगा अपनी तैयारी ना डिले करके रखना, हम तो वैसे ही लेके चल रहे हैं जैसे हर साल लेकर चलते थे। ये जो स्लिट है ना ये इस स्लिट का साइज है। सोर्स स्लिट का साइज, ये जो भी तुमने बल्ब बल्ब लगा हुआ है इसका कुछ तो साइज होगा। अरे इस नेटवर्क इशू ने बड़ा परेशान किया मुझे भाई। देखो सुनो, सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख रहे हैं, ये डबल स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन डी, ये सोर्स स्लिट है, सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच में सेपरेशन इज कैपिटल एस। सो स्मॉल एस है साइज ऑफ सोर्स स्लिट, कैपिटल एस है सेपरेशन बिटवीन सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट, और लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। तो ये कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस की, स्मॉल एस बाय कैपिटल एस इज लैम्डा बाय स्मॉल डी, कि साइज ऑफ सोर्स स्लिट डिवाइडेड बाय सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच का सेपरेशन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये कंडीशन है अगर तो सस्टेन इंटरफेरेंस बनेगा। तौहीद क्या पूछ रहा है, आपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पार्ट डिफरेंस अलग था सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट, उस केस में क्या करें उससे को तो तौहीद यहां मैं पार्ट डिफरेंस थोड़ा ना ले रहा हूँ, सेपरेशन ले रहा हूँ, ये यहां हो या यहां उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है, मैं तो इसी सेपरेशन को ले रहा हूँ। वहां मैंने पार्ट डिफरेंस लिया था, ये वाला सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन, ये थोड़ा ना ले रहा हूँ, मैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ दोनों बीच के बीच, यहां हो या यहां उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग व्हाइट लाइट। इंटरफेरेंस विद व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के साथ इंटरफेरेंस आप कैसे स्टडी करेंगे? ये सोर्स स्लिट है आपकी, ये है आपकी डबल स्लिट, और भाई ये है आपकी स्क्रीन। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां से जो लाइट आ रही है दैट्स व्हाइट लाइट, ये भी व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का क्या मतलब है? वी आई बी जी वाई ओ आर, ये सारे कलर्स एक साथ आ रहे हैं।
ये बिल्कुल मिड पॉइंट है ओ ओ पर जितने भी कलर्स पहुंचेंगे, यहां से भी वायलेट पहुंचेगा, यहां से भी वायलेट पहुंचेगा, यहां से इंडिगो आएगा, यहां से इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा, ब्लू आएगा। तो जरा सा अपनी अकल लगाओ, कितने इंटरफेरेंस पैटर्न लगते हैं तुम्हें बनेंगे इंडिपेंडेंटली, कितने इंटरफेरेंस पैटर्न तुम समझते हो कि बनेंगे? एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन चार पांच छह, कितने इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे? सेवन इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे ना राशिद, 14 नहीं, सेवन। अरे जब दोनों से लाइट आके मिलती है तब एक पैटर्न मिलता है ना, सेवन पैटर्न मिलेंगे। हर कलर का इंटरफेरेंस पैटर्न अलग होगा। देखो कई आंसर्स आ गए, सबका सही है, सेवन पैटर्न मिलेंगे। अब सारे ही पैटर्न का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहां आ जाएगा, वायलेट का भी यही होगा, इंडिगो का भी यही होगा, ब्लू का भी यही होगा, ग्रीन भी यही होगा, येलो भी यही होगा, ऑरेंज भी यही होगा, रेड भी यही होगा, सबका यही मिलेगा आपको। जितने भी कलर्स हैं सबका आपको इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से जो भी ओवरलैपिंग होगी वो यही मिलेगी। तो मुझे बताओगे जब ये सब कंबाइन कर देंगे तो ये कलर कैसा आएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपका व्हाइट हो गया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट। अच्छा आप जस्ट नेक्स्ट वाला ब्राइट फ्रिंज गेस कर सकते हो, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज किस कलर का होगा? सबसे पहले किस कलर का ब्राइट फ्रिंज आएगा? अरे गुड वजाहत, खतीजा भी सही बता रही है। फैज गड़बड़ मार रहा है, सवालिया गड़बड़, जोया 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 का भी गड़बड़, आयशा का भी गड़बड़, उज्मा ठीक बता रही है, अलीजा ठीक बता रही है, वायलेट होगा, वायलेट हो जाएगा। फ्रिंज सेपरेशन जो होता है प्रोपोर्शनल टू वाई है ना, वेवलेंथ। तो जिसके लिए वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसका फ्रिंज सेपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सो सबसे बाद वाला रेड बनेगा, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की। तो ये वाला ब्लू मींस वायलेट है ना, तो ये वाला क्या बनेगा? वायलेट बनेगा। ये भी कैसा बनेगा? वायलेट बनेगा। अब रेड तक की तो नौबत ही नहीं आती, ये थोड़े टाइम के बाद ना, सात पैटर्न है, ये सात ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, और ओवरलैप एक बार कर गए सब तो कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे दिखता है जैसे तुम्हारे घर में दिख रहा है, स्क्रीन पर कुछ दिख रहा हो, कोई फ्रिंज नहीं है, कुछ नहीं है, और ना दीवार पर दो बल्ब से लाइट आ रही है, सिर्फ एक डेफिनेट किया था, यही देख लो ये कहाँ गया। हाँ ये यहाँ देख लो, कोई पैटर्न थोड़ा ना दिख रहा है इस वॉल के ऊपर, कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी व्हाइट, सीबी मीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट, नेक्स्ट इज वायलेट, कुछ फ्रिंज के बाद पैटर्न डिसअपीयर। कुछ फ्रिंज के बाद जाकर ये पैटर्न खत्म हो जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग होने लगती है। अच्छा बता दो क्या ये सस्टेन्ड है इंटरफेरेंस? क्या कहोगे तुम ऐसे इंटरफेरेंस को, सस्टेन्ड कहोगे नॉन सस्टेन्ड कहोगे? नॉन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, बिल्कुल नॉन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, कंबाइन कर रहे हैं फ्रिंजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। चलो वेरी गुड, इतना लिख लो। हाँ मोनोक्रोमेटिक भी नहीं है बिल्कुल अमान, चलो जी इतना लिख डालो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी,
हाँ भी लिख लीजिए लिख लीजिए, नहीं कर रहा मेरा, अब लिखिए लिखिए। सो दैट वॉज अबाउट इंटरफेरेंस। अभी इंटरफेरेंस डबल स्लिट था, लास्ट लाइन बता दू तो अमीन, मैंने सिर्फ ये लिखा जो हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होगी व्हाइट होगी, उसके जस्ट बाद वाला फ्रिंज वायलेट होगा क्योंकि वेवलेंथ वायलेट की कम है तो वायलेट मिलेगा। कुछ के बाद फ्रिंजेस ना ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, खुद सोचो सात का पैटर्न बन रहा है, सात कलर्स का, वायलेट का पैटर्न भी है, इंडिगो का पैटर्न भी है, ब्लू का भी है, ग्रीन का भी है, येलो का भी है, ऑरेंज का भी है, तो कुछ दो तीन फ्रिंजेस के बाद ये ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। ओवरलैपिंग की वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न पर्टिकुलरली नहीं दिखेगा, तो ये होता है व्हाइट लाइट, सस्टेन नहीं होता, नॉन सस्टेन इंटरफेरेंस। ठीक है अमीन, चलिए इंटरफेरेंस खत्म हुआ। अब इंटरफेरेंस में ना दो चीजें और हैं, एक इंटरफेरेंस होता है थिन फिल्म से और एक इंटरफेरेंस ग्लास शीट से भी, कि ग्लास से अगर लाइट पास करेगी तो क्या होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे बट आफ्टर डिफ्रैक्शन। कुछ चीजें मैं डिफ्रैक्शन में कराऊंगा जिसे हम फिर से दोबारा से इंटरफेरेंस में यूज कर लेंगे। आपके बोर्ड्स में इतना ही था, इवन आपके एंट्रेंसेस में इसके बाहर से बहुत कम चांसेस होते हैं, बट जेई के सिलेबस में है तो मैं कराऊंगा, थिन फिल्म भी कराऊंगा, शीट भी कराऊंगा, बट आफ्टर डिफ्रैक्शन। बोर्ड्स में इसके अलावा कुछ नहीं है, जितने न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए, कॉन्सेप्चुअल के जो आपको करा दिए, आप एक बार प्रीवियस ईयर्स उठा के देखिए, सब कुछ आपको उसी में से मिल जाएगा। डिफ्रैक्शन नहीं, डिफ्रैक्शन है बोर्ड्स में, डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कटा है बट डिफ्रैक्शन है बोर्ड्स में, सिलेबस में। तो ये डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन बहुत कॉमन फेनोमेना है, इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट, और सिर्फ ये लाइट में नहीं साउंड में भी होता है, बेंडिंग ऑफ साउंड। भाई बताओ साउंड बेंड करता है नहीं करता? ऑब्जर्व किया है कभी साउंड को बेंड हो जाता है? हाँ साउंड बेंड होता है। देखो अगर मैं यहां एक वॉल दे दूं, इट्स अ साउंड प्रूफ वॉल, साउंड प्रूफ वॉल, ये पूरा रूम है ना, पता इतनी सी जगह बची हुई है रूम में, यहां स्पीकर लगा है, यहां आप खड़े हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, स्पीकर से साउंड निकला ऐसे तो जा ही नहीं सकता, ऑब्जर्वर तक साउंड कैसे पहुंच रहा होगा? यहां गया होगा, यहां से बेंड होकर ऑब्जर्वर तक पहुंच गया। ये जो बेंडिंग है, दिस बेंडिंग इज डिफ्रैक्शन। साउंड में बेंडिंग बड़ी कॉमन होती है, बहुत कॉमन है क्योंकि साउंड की वेवलेंथ कम होती है, तो हाँ ये बेंडिंग इज डिफ्रैक्शन। एक चीज और सीख लो कि इस बेंडिंग के लिए कंडीशन क्या होती है। इस बेंडिंग के लिए ये जहां से लाइट बेंड हो रही है ना, जिस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बराबर हो, मान लो ऐसा है तीन और चार में जो डिफरेंस होता है, एक मान लीजिए ऑब्स्टिकल का साइज 3 mm है, वेवलेंथ भी 4 mm है, तो दे आर कंपेरेबल, बेंड कर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि साइज 3 mm है और वेवलेंथ 0.1 mm है, फिर बेंड नहीं हो पाएगा। तो बेंडिंग के लिए जो साइज है ना, दैट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब होता क्या है, लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो साइज जहां से लाइट बेंड कर रही है तो बहुत अच्छा। साउंड में ये परेशानी नहीं आती, साउंड की वेवलेंथ अच्छी खासी है, तो साउंड को बेंड करने के लिए ऑब्स्टेकल आपको मिल जाते हैं, गेट के कॉर्नर से भी साउंड बेंड हो जाता। लेकिन लाइट के साथ ये परेशानी है, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम। भाई लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां तक जाती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, यहां तक लाइट की वेवलेंथ जाती है, इतनी कम है, मतलब 10^-7। तो इस साइज का ऑब्स्टेकल मुश्किल से मिलता है, तो इसीलिए लाइट में डिफ्रैक्शन कम देखने को मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन कम देखने को मिलता है, वीक डिफ्रैक्शन होता रहता है, और हम कई बार तो इसे अप्रिशिएट भी नहीं करते कि अच्छा डिफ्रैक्शन हो रहा था यहाँ लाइट के अंदर, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। तो डिफ्रैक्शन इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट। फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ
obstacle or aperture. Obstacle or aperture placed in the path of light. This phenomenon of bending of light is known as diffraction. कि आपने एक अपर्चर लिया, एक ऑब्स्टिकल लिया और उसे लाइट के पाथ में रख दिया. उस ऑब्स्टिकल से जो लाइट बेंड होगी, that bending is known as diffraction. अब इस बेंडिंग की वजह से क्या होता है? Due to bending, light penetrates. मैं भी आपको एक वीडियो दिखा दूंगा तो जरा सा ना क्लियर हो जाएगा आपके जहन में. Penetrates into geometrical shadow of obstacle. अच्छा यार मुझे ना एक इंटरफेरेंस का क्वेश्चन और याद आ गया. कंसेप्चुअल आता है, मैं लिख देता हूं उसे कहीं. यहां लिख देता हूं, इसे लिख ले रहा हूं. हाइंस प्रिंसिपल की बेसिस पर आया था एक बार कि शो करो इंटरफेरेंस, एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइंस थ्योरी. तो लिख लेना कि इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस. So, दो कोहरेंट सोर्सेस से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आएंगे उनके ओवरलैप करने से इंटरफेरेंस बनेगा. दैट इज बेसिकली इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइंस प्रिंसिपल. इसे लिख लीजिए. सॉरी मैं बीच में डिफ्रैक्शन से फिर इंटरफेरेंस में आ गया. इसे लिख लीजिए, फिर मैं डिफ्रैक्शन पे आता हूं. एकदम से याद आ गया, कई दिनों से बताना चाह रहा था, जहन से निकल जाता है. अच्छा मैंने लिखवा दिया था, लिखवा दिया तो मैंने, वेरी गुड. नहीं लिखवाया तो प्लीज लिख लीजिए. ये मुझे क्लास से पहले याद आता था और क्लास में मैं भूल जाता इसे लिखवाना. तो ये डिफ्रैक्शन है, लाइट पेनिट्रेट करती है और ज्योमेट्रिकल शैडो में चली जाती है. जहां आप एक्सपेक्ट करते हो ना शैडो, वहां पर भी आपको लाइट दिखने लगती है. दैट्स डिफ्रैक्शन. मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है. इसको नेक्स्ट वीक. भाई मान लीजिए ऑब्स्टेकल एक वॉल है. इस वॉल के पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है, यहां से लाइट आ रही है. तो बहुत एक्सपेक्टेड है कि भाई लाइट वॉल को तो क्रॉस कर नहीं सकती, तो ऑब्स्टेकल है. अच्छा नहीं हुआ था. हाँ नगमा, मैंने अभी उसको, मैं दोबारा आ रहा हूं उसके ऊपर. बस मैं समझा दूं जो मैंने लिखा था ना कि उसका मतलब क्या है, मैं समझा दूं फिर मैं. तो ये जो लाइट है, ये लाइट रेज ऐसे आ रही है. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो होना ये चाहिए लाइट को स्ट्रेट आएगी लाइट, और स्ट्रेट आने के बाद भाई यहां पर शैडो बनेगी क्योंकि लाइट इसको तो पेनिट्रेट कर नहीं सकती. तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहां शैडो बननी चाहिए. ऐसी होता है ना, आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि ये भाई शैडो बन गई पूरी यहां से यहां तक. लेकिन एक्चुअल में ना ऐसा होता नहीं. मतलब ये तो मैंने लिख दिया विदाउट डिफ्रैक्शन. मैं कह रहा हूं हो ही नहीं रहा डिफ्रैक्शन. अब ऐसा नहीं कि डिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा. जब डिफ्रैक्शन होगा ना तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाती है. एक बार तुम्हारे फिनोमेना समझ में आ जाए तो तुम्हें भी मजा आएगा मैथ्स करने में और मुझे भी जरा मजा आएगा कि
कर क्या रहे हैं। फिजिक्स की कम मैथ्स की क्लास ज्यादा हो जाती है। तो देखिए ये जो लाइट है ना, चलो ये तो सीधी आई, ये जो कॉर्नर के पास आ रही है ये ऐसे करके बेंड कर देगी, ये जो कॉर्नर के पास से आ रही है ना ऐसे करके बेंड कर देगी। तो तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि यहां शैडो होगी, तो दिख रहा है इतने पोर्शन में भी लाइट आ रही है। दिस इज बेसिकली डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो मैं यहां लिख रहा था, bending of light from corner of obstacle or aperture placed in the path of light due to bending light penetrates into geometrical shadow of the obstacle. तो यहाँ shadow होनी चाहिए थी, चाहता यही था ना expected, ये था भाई shadow बनेगी, shadow नहीं बन रही, वहां भी light चली गई, यहाँ light आ गई। So this bending is basically diffraction. अब होगा क्या भाई, एक तो वेव होगी नहीं, कई वेव्स होंगी। अब कुछ चीजें चूंकि आपने इंटरफेरेंस समझा है, एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि आपने इंटरफेरेंस समझा है, तो आप यहां से कुछ चीजें खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई लाइट वेव्स आ रही है, कई वेव्स आएंगी तो सुपर इम्पोज करेंगी, जब सुपर इम्पोज करेंगी कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहां पर भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन सकते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ये प्रोबेबिलिटी है कि जब सुपर इम्पोज करेगी तो अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए पॉसिबिलिटी है कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो जाए। तो यहां भी हो सकता है फ्रिंजेस का पैटर्न बनना शुरू हो। बताइए ये आया समझ में आप लोगों के, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। अब यहां जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है, एक सेकेंड आया रेवर में आपके डाउट पर, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इसको मैं अपर्चर भी कह दूंगा, बेसिकली जहां से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है इज वेरी वेरी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत कम हो, लाइट की वेवलेंथ से बहुत कम है, बिल्कुल रैबर, सोर्स की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल इसके साइज पर डिपेंड करेगा कि ये जहां से ये डिफ्रैक्ट हो रहा है वो साइज कितना बड़ा है, इस पर भी डिपेंड करेगा लाइट की वेवलेंथ के ऊपर कि लाइट की वेवलेंथ क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा इन दोनों में सेपरेशन कितना है, वो सब हम डिराइव करेंगे। चलिए आप इतना लिखिए, मैं जब तक एक वीडियो ढूंढ लूं जिसमें डिफ्रैक्शन बहुत क्लियर हो। भैया लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेकंड स्लाइड पर आ जाता हूं। ओके दिस
Okay. भाई ये विजिबल है, अच्छा देखिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिखाया हुआ है, इन्होंने करा क्या, एक स्लिट ली हुई है, जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट्स ली थी, इन्होंने एक सिंगल स्लिट ली हुई है, एक सिंगल स्लिट है, लाइक एक सिंगल ओपनिंग है, ऐसी ओपनिंग मान लो, और यहां से लाइट पास हो रही है, तो ये ओपनिंग नहीं दिख रही आपको, लाइट जब पास होगी ना तो उसके बाद का ये पैटर्न दिखा रहा है, ये है बेसिकली पैटर्न। तो ये ऐसा एक स्लिट मान लो, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो स्लिट्स थी, आप एक सिंगल स्लिट लीजिए, उससे लाइट पास होगी, स्क्रीन के ऊपर ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे, दैट इज बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट बेंड करने के बाद सुपर इम्पोज करिए, सेंट्रल मैक्सिमा है, देख रहे हो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बहुत ज्यादा है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, फिर ये मिनिमा आ जाएगा, ये जो ब्लैक सा दिख रहा है दिस इज मिनिमा, फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा मिनिमा, और ये होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो आपको कैलकुलेट करना है। सो डिफ्रैक्शन में अच्छी चीज ये है कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डिराइव करो, डिराइव नहीं करवाता आपसे, वो सिर्फ आपसे कहेगा कि ओके पार्ट डिफरेंस निकाल के दिखा दो और मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लिख दो। बेसिकली डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी है ना, दैट सेमी क्लासिकल थ्योरी, अब थोड़ी बहुत क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है, इसलिए वो तुमसे कभी नहीं कहता कि डिफ्रैक्शन डिराइव करो, हम डिराइव नहीं करेंगे, हम सिर्फ पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, वो भी आपको सिखाया था मैंने ए साइन थीटा कैसे निकालते हैं, बस उसके आंसर लिखना होता है कि ओके मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, बट उसको मैं शो कर दूंगा आपको, लॉजिकली ये दिखा दूंगा कि ओके मिनिमा इसी कंडीशन से आना चाहिए, लेकिन डिराइव नहीं कर पाऊंगा, जितना डिराइव मैंने इंटरफेरेंस में किया था वो डिटेल डिफ्रैक्शन में नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा कुछ दिखा नहीं रखा इसमें, ये बेसिकली लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के आगे ना एक सिंगल स्लिट रखी हुई है, तो सिंगल स्लिट से जब लाइट पास होगी तो वो फिर सुपर इम्पोज करने के बाद ऐसा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज और ये पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न की फिजिक्स डिराइव करने की, कब सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ये इसकी इतनी विड्थ है कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भी देखना होगा कि इसके बाद के ब्राइट फ्रिंजेस क्यों फेंट होते चले जा रहे हैं, देख रहा है सेंट्रल बहुत ब्राइट है, उसके बाद ब्राइटनेस कम होती चली जा रही है, विड्थ कम होती चली जा रही है, वो सब चीजें हम फिजिकली देखेंगे। सो अनलाइक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा डिराइव नहीं करना, काफी फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर ये है कि लॉजिकल रीजन तो दे ही देते हैं लेकिन डेरिवेशंस नहीं है आपके पास इसके। हाँ सो दैट वाज अबाउट डिफ्रैक्शन। तो याद रखिए एक ऑप्टिकल ऑब्स्टिकल जहां से भी लाइट डिफ्रैक्ट कर रही है उसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ही कम होना चाहिए। कितना है तो यहां पर, अच्छा टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन भी देख लीजिए, ख्याल से आज इसे शुरू करना बेवकूफी होगी, इसको कम से कम मुझे 40-45 मिनट चाहिए। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन लिखकर छोड़ते हैं, इसे स्टार्ट हम वेडनेसडे करेंगे, वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में दो तरह के डिफ्रैक्शन है, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में स्लिट स्क्रीन और सोर्स के सेपरेशन फाइनाइट होते हैं, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्लिट आर फाइनाइट, सोर्स स्क्रीन एंड स्लिट आर फाइनाइट, फाइनाइट सेपरेशन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सेपरेशन होगा सोर्स स्क्रीन एंड स्लिट आर इनफाइनाइट,
सोर्स स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा, दैट्स फ्रॉम अ फॉर. सो मैं 10-12 मिनट है मेरे पास, मैं उसको शुरू तो नहीं कर रहा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसको आज हम यही छोड़ेंगे.